कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। लवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मनवाही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तरिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आठम सम मुहि मय जगलेखा, मुहि ते अधिक संत करिलेखा। नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नव महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सुई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। बहुत कथार्थक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए हम लोग अपने आप को उस वनस्थली में बैठा हुआ अनुभव करें, जहां पर प्रभु श्री रामभद्र भक्तिमयी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे। प्रभु ने नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए सर्वप्रथम सत्संग को ही वह स्थान लिया। वैसे नवधा भक्ति के दो रूपों का वर्णन मानस में भी है और अन्य ग्रंथों में भी है। एक श्लोक प्रसिद्ध है जिसमें नवधा भक्ति को इस रूप में रखा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सक्षम आत्मनिवेदनम। इस तरह से नवधा भक्ति का निरूपण किया गया। और भगवान राम ने भी जब लक्ष्मण जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो यही जो नौ प्रकार की भक्ति है जिसमें सर्वप्रथम श्रवण को स्थान दिया गया, सुनना श्रवण करना भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की अर्चना और प्रभु के चरणों की वंदना, उनके चरणों में दास्य भावना और सर्वसमर्पण, यह नवधा भक्ति है। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से भी यही कहा। लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया था, प्रभु भक्ति की पद्धति क्या है, भक्त को पाने का उपाय क्या है। उसमें भगवान ने उसी प्रकार की नवधा भक्ति का केवल एक वाक्य में ही संकेत दे दिया था। भगवान ने श्री रामभद्र ने लक्ष्मण से कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। और वहां पर हो जाता है श्रवणाधिक। जिस भक्त का श्री गणेश श्रवण से होता है, ऐसी जो नवधा भक्ति है, श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ा ही मम लीला रति अति मनमाही। तो वहां लक्ष्मण जी को जब प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो शास्त्रीय परंपरा में जिस क्रम से नव प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है, प्रभु ने उसी का स्मरण किया।
पर जब प्रभु ने शबरी जी को उपदेश दिया तो उन्होंने श्रवणम से प्रारंभ नहीं किया। श्रवण का अर्थ है सुनना, यहां भी श्रवण तो है पर यहां श्रवण जो है वो दूसरी भक्ति है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, यहां पर प्रभु श्रवण से प्रारंभ न करके संत के संग से भक्त के का श्री गणेश करते हैं। और उसका तात्पर्य क्या है कि भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का, भगवान की कथा का श्रवण करना भक्ति है। किंतु क्या जितने लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्र और गुणों का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, क्या सब उनके जीवन में वस्तुतः भक्ति की अनुभूति, भक्ति का उद्रेक दिखाई देता है क्या? और स्पष्ट है कि ऐसा तो नहीं है। कथा के श्रोता तो बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं, तो वस्तुतः श्रवण के पहले प्रभु ने शबरी जी के समक्ष जो भक्त का निरूपण किया वो और भी महत्व का और सांकेतिक। और इसका अर्थ ये है कि भगवान की कथा किसके माध्यम से, दोनों ही बड़े महत्व का प्रश्न है। सुनाने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? और इसका अभिप्राय यह है, रामचरितमानस में इस बात पर बार बार बल दिया गया और उसको आप व्यवहार में भी उसी का अनुभव कर सकते हैं। एक रोगी को दवा देने वाला वैद्य या दवा देने वाला डॉक्टर, दोनों ही तो सर्वथा उसके उपयुक्त होना चाहिए। अगर अयोग्य वैद्य है, अयोग्य डॉक्टर है, तो वो तो औषधि के नाम पर नया निका दे देगा और उससे रोग बढ़ने के स्थान पर, घटने के स्थान पर बढ़ सकता है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। किंतु कितना भी योग्य डॉक्टर या वैद्य क्यों न हो, सुनने वाला का उसके लिखे हुए औषधियों को ले ले, मंगा ले और मंगाने के बाद भी उसका सेवन न करे, या जो उसने पथ्य बताया, जो उसने विधि बताई, उसके अनुकूल दवा का सेवन नहीं किया, तो स्वाभाविक है। कई लोग तो बड़े गर्व से यह सुनाते हैं कि उन्होंने किस बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो बहुत बड़ा डॉक्टर है उसको दिखा देना ही तो यथेष्ट नहीं है। को उसके द्वारा जो कहा गया है अगर हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। और ठीक यही बात इस संबंध में, वक्ता यदि योग्य न हो, इसका सबसे बड़ा दृष्टांत मानस में कालने में, लंका के रणांगण में लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, सुसेण वैद्य ने औषधि बताई और उनका यह कथन था कि वह जो औषधि है वो यहां से 60,000 योजन दूर है और वह औषधि सूर्योदय से पहले यदि आ जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हो सकती है, और यदि औषधि नहीं आ सकी और समय के बाद औषधि आई तो इनके प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। और ये तो बड़े महत्व का सूत्र है, वैद्य और औषधि के साथ साथ समय का भी तो महत्व है। अगर किसी रोगी को समय पर दवा न दी जाए, कई बार ऐसा होता है कि दवाएं हैं पर वो समय पर व्यक्ति को दवा नहीं मिल पाती, तो यहां पर जो चिकित्सा का सांगोपांग पूरा वर्णन किया गया है वह बड़े ही महत्व का है और वो समझने योग्य है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कम से कम सुनने में सबसे बड़ा बाधक समझ गए होंगे, आपकी जो निद्रा है उससे जब बचेंगे तो ये आप सुन सकेंगे,
बाद की बातें तो बात की है, पहले उस पर विजय पाने की चेष्टा कीजिए। और उसमें संकेत क्या है, पहले तो आप देखें कि वैद्य या डॉक्टर कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहां एक बड़ी प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश में गांव की कहावत है कि अगर रोगी को जो वस्तु पसंद है और भले ही वो कुपथ्य हो, पर रोगी को प्रसन्न करने के लिए या वैद्य उसी का समर्थन कर दे, तो कहावत है उत्तर प्रदेश में, जौने रोगी भावे तौने वैद्य बतावे। जो रोगी को अच्छा लगा वही वैद्य ने बता दिया। और सुंदरकांड में भी वर्णन आता है रावण के संदर्भ में, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस। मंत्री वैद्य और गुरु डर के मारे अगर सत्य न बोले, केवल प्रिय वाणी कहे, तो बोले राज धर्म धन तीन कर कोई वेग ही नास। मंत्री अगर भय के मारे केवल राजा के समक्ष उसकी हां में समर्थन कर दे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। गुरु अगर का शिष्य से भयभीत हो जाए, ऐसे भी शिष्य होते हैं जिनसे गुरु लोग डरते, उसका सबसे बड़ा दृष्टांत तो रामायण में रावण ही है। रावण ने तो शंकर जी से कहा कि महाराज मैं तो आपका नित्य पूजन करना चाहता हूं, मेरी तो बड़ी भावना है, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे इतने बड़े राज्य का संचालन करना रहता है और आप तो कैलाश में बैठे ही रहते हैं, तो न हो तो आप ही आके पूजा ले जाया करिए। अब जब कोई ऐसा शिष्य मिल जाए तो वे ब्रह्मा से कहा कि वेदों के प्रति तो मेरी बड़ी आस्था है, पर आप अन्यत्र वेद पाठ न करके अगर मेरी सभा में आकर के वेद पाठ करें तो कैसा रहेगा। गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में कहा कि ब्रह्मा जी वेद पाठ करते हैं रावण के अनित, और रावण शंकर जी की नित्य पूजा करता है, पर एक शब्द जोड़ दिया गया, क्या बोले वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो घरे आवे। तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री प्रिय वाणी बोल करके केवल उसे भ्रम में डालने की चेष्टा करेगा तो राज्य का नाश होगा। अगर वैद्य रोगी को जो प्रिय लगे वही बता देगा तो उसके शरीर का नाश हो जाएगा। और गुरु अगर भय के मारे धर्म की सच्ची व्याख्या न करे तो व्यक्ति के धर्म का विनाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कहां कोई वेग ही नास। और कितनी बढ़िया बात कही गई, तीनों में से अगर एक एक हो तो तीन का नाश होता है। पर रावण की समस्या क्या है, सोई रावण कहां बनी सहाई, अस्तुति करे सुनाई सुनाई। गोस्वामी जी ने कहा जिस समय रावण ने सुना कि लंका पर आक्रमण करने के लिए वह तपस्वी बंदरों की सेना लेकर के आ गया है, तो मंत्रियों से प्रश्न पूछा, आप लोग बताइए किस प्रकार से युद्ध किया जाएगा। तो उन लोगों ने क्या उत्तर दिया, मुझे वो सचिव उचित मत कहो। तेज वहां से रावण का प्रश्न सुनकर के हंसने लगे, महाराज आपके श्रीमुख से ऐसा प्रश्न शोभा देता है क्या। अरे जीते हूं सरासर तब सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने काल को समस्त प्रकृति को हरा दिया, अब मनुष्य और बंदरों के लिए आप जिज्ञासा कर दे। सभा में ये कह रहे हैं और घर में जाकर के पत्नी से जब बातचीत करते हैं तब बोले निज निज गृह सब कर ही बिचारा, नहीं निश्चर कुल के रोवारा। हनुमान जी लंका जाके जला के जा चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि जास दूत बल वरन ने जाई के ही आए पुर कौन भलाई। जिसके दूत ने लंका को जला करके नष्ट कर दिया वो जब आ जाएगा तो क्या होगा। भीतर ये है और बाहर ये, रावण बड़ा संतुष्ट होता है कि हमारे कितने आत्मविश्वासी मंत्री हैं, सेनापति हैं, जो हमारे वीरता का हमारे गुणों का गायन कर रहे हैं।
अब यह जो वृत्ति है वह रावण के जीवन में भी दिखाई देती है, और जो गुरु के संबंध की बात है तो शंकर जी को तो भला रावण क्या डरा सकता है, किंतु आप ध्यान रखिएगा कि शिष्य से अगर गुरु डरे या डरने का अभिनय करे तो शिष्य के लिए तो इससे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और उसका शंकर जी रावण के कहने से जब पुजाने चले आते हैं तो लगा तो ही कि डर के मारे चले आते हैं, पर उसका अभिप्राय यह है कि शंकर जी यह बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी चेष्टा करे का जो उद्देश्य होना चाहिए कि भाई गुरु के द्वारा हम, जैसे जब आप यहां पर इस संदर्भ में भी सूत्र हुई, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान श्री राम के सामने यह प्रश्न था कि लक्ष्मण जी को दवा देने के लिए, लक्ष्मण जी को औषधि देने के लिए, उनके रोग का निदान करने के लिए वैद्य को कहां से बुलाया जाए, और कितना लक्षण सूत्र है, स्वर्ग में प्रसिद्ध वैद्य अश्विनी कुमार है, अनेक वैद्य है, पर निर्णय किया गया कि लंका का वैद्य बुलाया जाए। इसको अंतर जो उसमें अंतरंग भाव है उस पर आप दृष्टि डालें, लंका का वैद्य, शत्रुनगर का वैद्य, और उसका उत्तर यही है। भगवान श्री राम ने तो यही कहा, महाराज आप चलते समय मंत्रिमंडल बनाइए तो युद्ध मंत्री नियुक्त कर दीजिए, प्रधानमंत्री तो आपने सुग्रीव को बना दिया है, और जब युद्ध में घायल होंगे बंदर तो उनकी चिकित्सा के लिए कोई वैद्य साथ ले लीजिए, और महाराज गुरु की कृपा गुरु का आशीर्वाद भी तो प्राप्त होना ही चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि इन तीनों को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? बोले ये तीनों रावण के पास सर्वश्रेष्ठ है, रावण उनका उपयोग तो करेगा नहीं, मैं ही उपयोग कर लूंगा, और विभीषण आए तो प्रभु ने उनको युद्ध मंत्री बना दिया। विभीषण तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे उस युग के, उनको नीति भूषण के रूप में देखा जाता था, लेकिन रावण ने लात मार के निकाल दिया, और ये कह करके निकाल दिया कि ममपुर बस तपसिन पर प्रीति सठ मिली जावाई ते नहीं कहो नीति, तेरी राजनीति बिल्कुल मैं नहीं सुनना चाहता, जा करके उन तपस्वियों को अपनी राजनीति सुना। तो प्रभु ने बना लिया युद्ध मंत्री विभीषण को, और शंकर जी रावण के गुरु हैं, तो गुरु से तो शिष्य को अपना संशय अपनी जिज्ञासा उसके सामने रखनी चाहिए। गुरु से हम अगर आशा रखें कि वो हमारी प्रशंसा करता रहे, हमारे गुणों को देखता रहे, तो उसके द्वारा कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु के समक्ष जाकर के तो हमारे मन में ये कही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझ में क्या कमी है, क्या बुराई है, और वो कैसे दूर हो। और रावण ने कभी भी कोई प्रश्न आया तो भगवान शंकर से उसे एक बार भी उसने नहीं पूछा कि उचित है कि नहीं। अगर उसके मन में यह संशय हुआ कि राम मनुष्य है तो ईश्वर है, तो गुरु का इससे बढ़कर के उपयोग क्या होगा, क्यों जाकर के कहता कि मेरे मन में ऐसा संदेह है, तो भगवान शंकर बता देते कि तो साक्षात ईश्वर है। पर वो मानता यही है कि अब गुरु जी को मैंने गुरु जी बना लिया है, ये तो मेरी कृपा है। कई लोग जो है जब प्रणाम करते हैं तो ये नहीं समझते कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं प्रणाम करने योग्य, यही समझते हैं कि ये तो मेरी नम्रता है, ये मेरी विशेषता है कि मैं प्रणाम करता हूं। तो रावण यही सोचता है कि अब गुरु जी तो गुरु जी है, पर कहां उनके पांच सिर, कहां मेरे दस सिर, उनसे दूनी बुद्धि तो मुझ में है ही है, उनसे क्या पूछू। तो अब रावण जैसा शिष्य तो अपने लिए कल्याण ही कर रहा है, और इसी प्रकार से वैद्य की चर्चा चल रही। बड़ा सोचिए, लंका में सुखेन जैसा वैद्य, पर कहीं भी यह नहीं आता कि इस पूरे युद्ध में
कभी किसी राक्षस को उसने अच्छा किया हो, ऐसी अद्भुत बात। ऐसा नहीं हुआ मेघनाथ अगर मूर्छित हो गया तो सुखण वैद्य ने कोई दवा नहीं दिया, या अन्य किसी प्रसंग में वर्णन नहीं आया। क्यों? सुखण वैद्य लंका में रहते थे पर चुप रहते थे। क्यों रहते थे? अब आप कल्पना कीजिए कि सुखण वैद्य ने जब यह कहा कि 60,000 योजन दूर है दवा और वो सूर्योदय से पहले आना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। श्री राम के स्थान पर आप रावण की कल्पना कीजिए, रावण पहले वैद्य जी की पिटाई करता कि दवा पहले से मंगा कर रखी जाती है कि ठीक समय पर मांगने के लिए करो, तुम किसी कार्य के लिए वैद्य बनाए गए। वो समझते थे भाई चुप ही रहना ठीक है यहां पर। तो इसका अभिप्राय है, गोस्वामी जी ने कहा तीन में से एक भी आ जाए तो विनाश होता है। रावण के जीवन में भगवान राम ने तो शंकर जी को पूजा, उनकी पूजा करके लंका पर अभियान किया और सुखेण वैद्य को बुलाया। क्यों बुलाया? इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है का वस्तुतः वैद्य का कार्य क्या है। वैद्य आकर के आपके कमरे की प्रशंसा करने लगे, आपके कपड़ों की प्रशंसा करने लगे, आपके बुद्धिमत्ता और योग्यता की प्रशंसा करने लगे, तो इससे बढ़कर के वो समय का क्या दुरुपयोग कर रहा है। वह तो जब इसलिए आयुर्वेद में त्रिदोष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो वैद्य होगा वो तो दोषज्ञ होगा और उसका कार्य रोगी की कमी को बताना है, रोगी की विशेषता नहीं, रोगी की रुचि का ध्यान नहीं रखना है, उसको रोगी के लिए जो उचित औषधि है वह देना है। वस्तुतः मानो आध्यात्मिक तात्पर्य यह था कि भगवान ने यह कहा कि भाई लंका में दोष दर्शन का बहुत स्वभाव और वो शत्रु नगर का वैद्य है और इतना होते हुए उससे हमें चिंतित नहीं होना चाहिए और ये साधक के संदर्भ में अपनी प्रशंसा सबको प्रिय लगती है और कई लोगों को तो प्रशंसा की ऐसी भूख होती है कि सुरसा की तरह उनका मोह फैला जाता है, उनको तो हर क्षण प्रशंसा प्रशंसा ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में का यह जो संकेत है मानो यह है कि आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अगर हम चाहते हैं, लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य हैं, उमा शंकर जी विस्तार से व्याख्या संभवतः करेंगे या जिस प्रसंग के दृष्टांत में कह रहे हैं वो शायद वो न पूरी बात कहें क्योंकि वो सुधीष्ण जी का चरित्र कह रहे हैं, उसमें सूत्र यही है कि वैराग्य मूर्छित हो गया, काम का आक्रमण हुआ और वैराग्य मूर्छित हो गया। और वैराग्य को चैतन्य करने के लिए वैद्य बुलाया गया है। तो वैराग्य उत्पन्न दोष से होता है, गुण से नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में आपको गुण दिखाई दे, कहीं विशेषता दिखाई देगा तो उससे राग होगा, उससे उसका उससे वैराग्य नहीं होगा। इसलिए वैराग्य के लिए तो दोष दर्शन, इसलिए सुखेण जैसा वैद्य बुलाया गया। लंका का रहने वाला वैद्य है, रावण कभी उसका उपयोग करता नहीं पर वो सचमुच ऐसा वैद्य है। पर वो वैद्य आवे कैसे? तो अब हनुमान जी महाराज का तो क्या कहना है, वैद्य सो रहे हैं तो उनको घर सहित ले आए, क्यों औषधालय भी साथ में चले, वैद्य भी चले, जो दवा देनी हो दे दे। वैद्य चैतन्य हुए, वैद्य भी बड़े महान, उनकी महानता क्या है कि रावण के नगर में होते हुए भी जब वो वैद्य के रूप में वो बोले तब उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं किसकी चिकित्सा कर रहा हूं। उसका अभिप्राय है कि जैसे का एक अच्छा व्यक्ति अगर घायल हो जाए और वो हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर के पास जाए, और एक बुरा व्यक्ति घायल होकर के अगर हॉस्पिटल में जाए तो योग्य डॉक्टर तो दोनों की चिकित्सा इस रूप में करेगा कि उसके सामने घायल वो अच्छा है कि बुरा है, किस तरह का व्यक्ति है वो उसकी भूमिका नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का बड़ा घोर अपराध किया हो
पकड़ करके पुलिस उसको ले जाए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर सोचा इतना बुरा व्यक्ति है, बाद में इसको सजा तो मिलेगी, मैं ही क्यों न जहर दे करके इसको मुक्ति दे दूं, तो परिणाम क्या होगा? जहर दे देने के बाद उसको स्वयं भी जेल के में जाना पड़ेगा। न्यायाधीश फांसी दे दे तो उसके लिए योग्यता की बात, मानो वो उसका कर्तव्य नहीं। तो सुखेन वैद्य की महानता है कि उनके मन में यह भावना नहीं है, यो तो अंतर हृदय में यो कह सकते हैं कि भगवान राम की महिमा से वे परिचित हैं, किंतु इतना होते हुए भी उन्होंने जो उचित समझा वो कहा। और भाई मूल सूत्र कि भगवान श्री राम ने सुना, भगवान राम के स्थान पर और अगर कोई सुनने वाला होता तो उसके अंतःकरण में बुद्धि में एक ही बात पहले आती, यो हो ये तो बड़ी चालाकी से बचना चाहता है कि ऐसे दूर दवा बता दो, इतना समय बता दो कि न दवा आवे और न तो मुझे दवा देनी पड़े, और रावण भी अगर मुझसे पूछे तो मैं कह सकूं कि अरे मैंने तो टालने वाले के लिए ये सब कहा था, पर धन्य है प्रभु। उसका अभिप्राय है कि गुरु ही वैद्य है, संत वैद्य है। पहले गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज, अनेक संतों का संग किया और उसमें से किसी एक को गुरु के रूप में वर्ण किया, तो गुरु की वाणी पर वह विश्वास, एक क्षण के लिए भी प्रभु के मन में ये बात नहीं आई कि अरे ये तो चालाकी कर रहा है, ये तो बातें बना रहा है, नहीं नहीं, सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम यहन विषय कयासा। मनुष्य को जो जैसा होना चाहिए, चाहे शरीर का रोग हो चाहे मन की समस्या हो, जैसा गुरु के प्रति वैद्य के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए वो प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा प्रकट कर दिया। और तब पूर्ण विश्वास से प्रभु ने पूछा, यह जो औषधि इतनी दूर है इसे लाने में कौन समर्थ? सभी मंदनों ने अपनी अपनी शक्ति बताई। द्विज ने कहा कि मैं 3 रात्रि और 3 दिन में ला सकता हूं। नल ने ये कहा कि 2 रात्रि और 2 दिन में ला सकता हूं। सुग्रीव ने कहा 1 रात्रि और 1 दिन में ला सकता हूं। अंगद ने कहा 1 रात्रि में ला सकता हूं। लेकिन रात्रि के भी कुछ घंटे बीत गए थे, तब प्रभु की दृष्टि हनुमान जी की ओर गई, और तब हनुमान जी की ओर प्रभु ने देखा। हनुमान जी ने प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। जब प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम औषधि कितने देर में लेकर के आओगे, तो हनुमान जी ने हनुमान नाटक में दृष्टांत दिया गया है कि उन्होंने कहा खोलते हुए तेल के कड़ाह में सरसों डाल दी जाए और जितने देर में वो फूटेगी उतने देर में आ जाऊंगा। वाल्मीकि जी तो कहते हैं हनुमान जी के वेग के लिए, हनुमान जी की गति कितनी है, मार ये कवितालु रामायण गोस्वामी जी ने कहा मारुत नंदन मारुत को मृग को खगराज को वेग, मन को खगराज को वेग ले जायो। गरुड़ की गति भी हनुमान जी के सामने कुछ नहीं, वायु की गति भी नहीं, मन की गति के समान मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वथात्मजम बानर ज्योत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मन के समान जिनकी गति है, अब मन के समान तो गतिशील कुछ है ही नहीं। हनुमान जी को आदेश मिला, हनुमान जी औषधि लेने के लिए गए, किंतु इस यात्रा में दो अनोखे विरोधाभास सामने आए। एक संत हनुमान जी और दूसरे संत भरत। तो जब हनुमान जी औषधि लेने के लिए चले तो मार्ग में जाते हुए उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर सरोवर है और आश्रम वहां पर है और एक महात्मा जी बैठे हुए। हनुमान जी को लगा कि ये तो कोई बड़े अच्छे महात्मा है, बड़े समय पर मिल गए। इस यात्रा की विशेषता यह है कि
हनुमान जी को भी भ्रम हुआ और भरत जी को भी भ्रम हुआ और उल्टा हुआ। हनुमान जी ने असंत को संत समझ लिया और भरत जी ने संत को असंत समझ लिया। ये एक अनोखी बात, हनुमान जी को भरत जी ने निशाचर समझ लिया और निशाचर को हनुमान जी ने संत मान लिया। और तब मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियऊं जाई श्रम। हनुमान जी थोड़ा थक गए। पहली यात्रा में हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने निमंत्रण दिया था, किंतु हनुमान जी ने मैनाक से यही कहा था, हनुमान तही परसा कर पुनकीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। पर आज स्वयं हनुमान जी के मन में विश्राम की इच्छा आई। और फिर वही सूत्र जो कल जिसकी चर्चा की गई थी कि संत के जीवन में भ्रम भी उत्पन्न होगा तो कल्याण ही होगा। ये भ्रम उसका अभिप्राय जो हनुमान जी के जीवन में नहीं हुआ गया। मुनि बूझी जल पियऊं जाई श्रम, मैं अपनी थकान मिटाऊंगा प्यास मिटाऊंगा मुनि जी से पूछूं। मुनि जी को प्रणाम किया और प्रणाम किया तो कथा सुनाने लगा। वही मानो श्रवणम के साथ साथ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसका अभिप्राय यह है कि कालने में इन्हें हनुमान जी से कहा कि आप पहले कथा सुनिए। हनुमान जी भला उनसे बढ़कर के कथा रसिक कौन हो सकता है, सुनाइए। और तब उसने कथा सुनाई, हो तो महारण रावण राम ही। लंका में भगवान राम और रावण का महान युद्ध हो रहा है और भविष्यवाणी भी कर दिया, जीती ही राम ने संशय राम ही, श्री राम अवश्य जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी प्रसन्न है, गदगद है, सुन रहे हैं, पर उसको अच्छा नहीं लगा। कई वक्ताओं को जो चिंता होती है, कालनेमी तो उसी काम के लिए आया ही था, कालनेमी को तो रावण ने भेजा ही इसीलिए था कि वो हनुमान जी की शक्ति से रावण परिचित था, और परिचित था तो उसने जब सुना कि जा रहा है पवन नंदन दवा लेने जा रहे हैं तो रावण कालनेमी गृह आवा। कालनेमी नाम का एक राक्षस था, कालनेमी का अर्थ आप जानते ही हैं, रावण पंडित था ना, तो नाम बहुत बढ़िया रखता था, नाम रखने की कला में तो अद्वितीय था। अपने बाटिका का नाम अशोक रख दिया, अपनी तलवार का नाम चंद्रहास रख दिया, और एक राक्षस का नाम कालनेमी रख दिया। कालनेमी माने कालचक्र, यह माना जाता है कि कालचक्र को कोई पलट नहीं सकता, पर उसने सेवक का नाम यह कह करके रखा कि संसार भले ही काल चक्र के बसीभूत हो पर कालनेमी तो यह न करे, मेरा पैर दबाता और दबाता है तो मैं काल से परे हूं। उसने हनुमान जी से कहा, कालनेमी से कहा, वो बड़ा गतिशील बंदर जा रहा है, जा करके उसका मार्ग रोको। महाराज आपने देख लिया है उस बंदर की सामर्थ्य को, क्या संभव है मेरे लिए, तुम तो कालनेमी हो। उसने कहा, महाराज मैं तो नाम का कालनेमी हूं, असली काल वो जो है महाकाल शंकर का अवतार, मैं नाम का काल, वो महाकाल कायगो आप भेज रहे हैं। उसने कहा, तो फिर मारो, उनसे डर रहे हो तो मैं मार देता हूं। तो उसने सोचा कि अब राम दूत कर मरूं, अगर मरना ही है तो राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, इस दुष्ट के हाथ से मरना तो अकल्याणकारी ही है। और तब उसने ऐसा रूप बनाया। उद्देश्य अब यहां पर देखेंगे, कथा का उद्देश्य क्या है, श्रोता कौन, वक्ता कौन, और कथा का उद्देश्य क्या है। अब उस उद्देश्य का तात्पर्य है कि अगर केवल वक्ता रामायण में आगे चल करके नवधा भक्ति में ही भगवान ने एक बात कह दिया, क्या, चौथ गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं मेरे गुणों का
कपट छोड़ करके गायन करना भक्ति है। ये कपट छोड़ के गायन क्या होता है, गायन में क्या कपट होता है? बहुत बड़ी बात कह दी गई। आपने इसके अर्थ पर विचार किया? जब कोई व्यक्ति भगवान के गुण का गायन कर रहा है, मान लीजिए वह भगवान के गुणानुवाद गा रहा है, भगवान के सामने उनके गुणों का वर्णन कर रहा है, तो कपट क्या है? शब्द तो सुनाई दे रहा है कि पद में भगवान का गुण गा रहा है, और केवल श्रोताओं की ओर उसकी दृष्टि है कि इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसका अर्थ है वो गुणगायन जो कर रहा है भगवान का, भगवान को मैं सुना रहा हूं, ये तो भाव ही नहीं उसके मन में। कई यही नारद जी के प्रसंग में ही बताया गया कि हमारी मनस्थिति कभी अच्छे से अच्छे व्यक्ति की ऐसी हो जाती है, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, अभिमान में भड़े भरे हुए नारद जब क्षीर सागर में जा रहे थे तो भगवान का ही गुण गा रहे थे। अब अगर कोई व्यक्ति मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ये गा रहा हो और गाते हुए ये सुनना चाहे कि सब लोग कहें इनसे बढ़ के कौन गायक, ऐसा बड़ा संगीत कौन, संगीतज्ञ कौन, यही तो कपट है। उद्देश्य भगवान के गुणों का गायन न हो करके केवल भगवान के न भगवान की न याद आ रही है, न भगवान के गुणों की याद आ रही है, केवल अपने अहंकार की तृप्ति ही उद्देश्य, तो मानो कपट हो गया। अब कथा का उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति के जीवन में अगर ज्ञान हो तो ज्ञान आवे, मनुष्य के जीवन में भक्ति का अभाव हो तो भक्ति का उदय हो, मनुष्य के जीवन में अगर वैराग्य की कमी हो तो वैराग्य का उदय हो। श्रीमद् भागवत में भी तो यही कथा आती है ना, किस समय पाकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों बूढ़े हो गए। श्रीमद् भागवत तो भक्ति देवी माता है और ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके पुत्र हैं। समय पाकर के भक्ति देवी वृद्ध हो गई और उनके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, मानो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों बूढ़े हो गए, और उसके लिए बहुत तीर्थ यात्रा की गई, बहुत उपाय किए गए, पर तीनों की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। श्रीमद् भागवत का संकेत क्या है? अंत में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कहा भक्ति देवी तो वृंदावन में जाकर के युवा हो गई, क्योंकि वहां पर भक्ति का रस छाया हुआ था पर ज्ञान और वैराग्य का वहां अभाव था, इसलिए युवा नहीं हुए। अंत में श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपूर्ण रूप से युवा हो गए। इसका अर्थ है कथा का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो। अब यहां कथा का उद्देश्य क्या है कि इतनी देर तक कथा सुनाओ कि वैराग्य मर जाए, लक्ष्मण जी मर जाए, माने वैराग्य की मृत्यु हो जाए। भगवान राम अखंड ज्ञान है तो लक्ष्मण के वियोग में राम प्राण का परित्याग कर देंगे, सीता प्राण का परित्याग कर देंगी, मानो उद्देश्य बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई व्यक्ति अहम के लिए प्रदर्शित कर रहा है तो कम बात है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ठीक उल्टा हो तो उल्टा उद्देश्य उसका था। हनुमान जी को कथा सुना रहा है, हनुमान जी कथा में ये तो कह नहीं सकते कि मुझे देरोरे में जाऊंगा, तो नियम है कि भाई कथा में तो जब बैठ गए तो उसको अंत तक सुनना चाहिए। हनुमान जी सुन रहे हैं पर उद्देश्य यही है। इतना विलंब लगे कि हनुमान जी दवा लेकर के ना आ सके। हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी तो ये सुन के ही प्रसन्न हो गए। वो जानते भी हैं कि जीत तो भगवान राम की है, पर इन्होंने कहा तो उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कालेमी को लगा मैंने इतना ऊंचा इतनी ऊंची सर्वज्ञता का परिचय दिया, इस बंदर ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपको कैसे पता, आप तो लंका से दूर बैठे हुए। मानो उसका उद्देश्य दूसरा था। और जब हनुमान जी ने प्रशंसा नहीं की कथावाचक जी की, क्योंकि वो तो कथा के रस में डूब गए, तो उसने कहा बंदर तुमने सुना पर ये नहीं मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पता है, और बता दिया अपनी ओर से, यहां भय मैं देखूं भाई,
केवल ज्ञान दृष्टि बल में ही अधिकारी, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। हनुमान जी फिर भी चुप रह गए और तब ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी वो दिव्य दृष्टि मिल जाए। अद्भुत बात है, हनुमान जी को दिव्य दृष्टि। इसका तत्व ये कि साधना में सर्वज्ञता बाधक। अगर साधक को सब कुछ पहले से ज्ञात हो जाए तो न व्याकुलता रह जाएगी, न व्यग्रता रह जाएगी, न उत्कंठा रह जाएगी, न साधना के प्रति उत्साह रह जाएगा। इसलिए हनुमान जी के चरित्र में सर्वत्र एक आपको यही लगेगा कि हनुमान जी ऐसा कुछ है। जब लंका में सीता जी को हनुमान जी नहीं ढूंढ पाते तो इसका अर्थ है कि उनकी सर्वज्ञता नहीं बताएगी। अब वो कह रहा है कि अब मुझसे दीक्षा ले लोगे तो मेरी तरह तुम भी सर्वज्ञ हो जाओगे, तुम बस जल्दी से स्नान करो और आकर के मुझसे दीक्षा ले लो, तुम्हें भी दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। मानो कथा का कथाकार अगर केवल स्वार्थ बस अपने अहंकार के तुष्टि के लिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को विनष्ट करने वाली कथा कह रहा हो तो राम की कथा होते हुए भी वह कथा तो उसका तो उद्देश्य ही उल्टा हो गया। और इसीलिए हनुमान जी महाराज तो सहज भाव से बहुत बढ़िया बात आई। हनुमान जी ने कहा महाराज प्यास लगी हुई। हनुमान जी अगर ये कहते कि महाराज आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई कि प्यास की याद ही नहीं रह गई और कथा सुनाई। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आपने पूछा मैंने कथा सुनाई आपको तृप्ति तो हो गई? उन्होंने कहा महाराज नाथ तवानन सस्य श्रवत सुधा कथा कथा सुधा रघुवीर और श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। इतना आनंद आता है पर उस रस में वस्तुतः उसकी कथा में वो रस ही नहीं था। और रस हो कहां से? आपने देखा होगा कथा में नित्य ध्यान की चर्चा चलती थी कल से, तो उसको जरा भिन्न क्रम दे दिया गया है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? अगर वस्तुतः ध्यान करें वैसे तो आप यही देखते हैं कि वक्ता ने आंख मूंद लिया, कोई श्लोक पढ़ रहा है या कोई ध्यान की बात कही गई, पर ध्यान का वस्तुतः उद्देश्य क्या है? और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे शुद्ध घी में मैदे के द्वारा किसी ने बहुत बढ़िया जलेबी बनाई और ज्यों की त्यों परोस दे तो कितना भी शुद्ध घी हो और कैसा भी वो हो व्यक्ति को कोई आनंद नहीं आएगा। उसी को जब वो शीरे में डुबो देता है तो कितनी मिठास आ जाती है। शंकर जी जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो क्या शब्द आया कि शंकर जी ने नेत्र मूंद करके ध्यान किया। ध्यान क्यों किया? बोले मगन ध्यान रस। ध्यान माने वह रस है जिन भगवान का चरित्र भगवान का गुणानुवाद वक्ता कह रहा है, पहले उस रस में स्वयं डूब जाए। ध्यान के द्वारा भगवान के गुणानुवाद का जब वो सुनावेगा तो रस की वृद्धि करेगा। और अगर वो स्वयं नहीं डूबा हुआ है, रस का अभाव है, तो आनंद नहीं आ सकता है। तो ये तो शुद्ध कपटी स्वार्थी, यहां तो न शुद्ध घी था न शुद्ध मैदा था, यहां तो जो कुछ था वो नकली ही नकली था, अशुद्ध ही अशुद्ध था, मिठास थी नहीं। इसलिए हनुमान जी का तो बस ध्यान तो प्यास पर महाराज प्यास लगा हुआ है। तो उसने तुरंत कमंडल उठा के दिया, लो सुन लो पी लो और कथा सुनो। महाराज इतने कमंडल के जल से तो मेरी प्यास बुझेगी नहीं। निराश हुआ, अच्छा अच्छा जाओ सरोवर में स्नान कर लो, जल पी लो, तब आओगे तब तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। यह जो मानो संकेत यह है कि काल नेमी के रूप में जब व्यक्ति का ठीक ऐसी बात कहे कि उसको सुन करके व्यक्ति के जीवन में अहंकार काम क्रोध लोभ की वृद्धि हो, स्वार्थ का समर्थन हो, तो वो कथा कथा न रह करके अगर श्रवणम ही भक्ति मान लिया जाए तो उसका अर्थ है कि सुनाने वाला जो कुछ सुना दे रहा है,
जिस भावना से सुना रहा है वैसा भाव व्यक्ति के अंदर में बैठेगा। इसीलिए संकेत आता है, भ्रम तो प्रभु ने जानबूझ करके हनुमान जी के हृदय में आ जाने दिया था। क्यों? कालनेमी का भी तो कल्याण करना था, तो ये अगर न होता सीधे चले जाते तो कालनेमी तो बैठे ही रह जाता। पर प्रभु ने मानो कहा और बहुत सुंदर बात कह दिया कि संत का ज्ञान तो महान होता ही है, पर संत का भ्रम भी महान होता है, क्योंकि उसका भ्रम भ्रम नहीं होता है, भगवान ही उसके हृदय में भ्रम उत्पन्न करते हैं। भ्रम उत्पन्न करते हैं यही प्रभु ने कर दिया, और भ्रम तो उत्पन्न हो गया। हनुमान जी सरोवर में गए, स्नान करने लगे, और तब प्रभु ने बड़ा कौतुक किया। उस जल में एक थी मगर, मगर की बकरी मगरी, उसने हनुमान जी के पैरों को पकड़ लिया। मगर जब पकड़ता है तो बहुधा पैर पकड़ता है और फिर जिसको पकड़ता है उसको निगल जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो उसने जब पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने स्वर जब प्रहार करने चले तो मकरी ने कहा, महाराज प्रणाम करने पर आशीर्वाद देना चाहिए कि मारना चाहिए? तो तुम जैसा प्रणाम करने वाला जो प्रणाम के बहाने खाने की चेष्टा करे उसको तो मारना ही पड़े। तो महाराज जैसे मेरा प्रणाम नकली वैसे वो नकली गुरु है, आप ठीक ध्यान रखिएगा। कथा सुना दिया और वो दीक्षा देने के लिए कह दिया, श्री राम की विजय होगी ये सुना दिया, बस हनुमान जी समझ गए। और जब वो निकले और आकर के पहले यही कहा कि आप दीक्षा देने वाले थे तो पहले हम दक्षिणा दे दें आपको, फिर दीक्षा दीजिएगा। वो समझ ने कहा, पूरा दक्षिणा ले पाछे हम ही मंत्र तुम देहू, सिर लंगूर लपेट पछाड़ा और निज तनु प्रगटे से मरती बारा। हनुमान जी ने लंगूर के द्वारा उसको उठा करके जब पड़क दिया तो उसका कपट छूट गया। मानो हनुमान जी जैसे संत भक्त ने का वो जो कपट था उसको विनष्ट कर दिया, वो अंत में उसको कल्याण में धाम प्राप्त हो गया। इसलिए मानो संकेत यह है कि कथा श्रवण के पहले भगवान राम जब ये कहते हैं कि नहीं प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तो भगवान का अभिप्राय है कि अगर सुनाने वाला सदवृत्ति का न हो संत वृत्ति का न हो तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव श्रोता के हृदय में या तो विपरीत पड़ेगा या तो नहीं पड़ेगा। इसलिए नवधा भक्ति के उस क्रम में मूलतः ये अंतर है। और यह जो श्रवण है यह तो मानो जो संत है, और इसके लिए दृष्टांत दिया गया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, ये कहा गया कि वेद पुराण उदधि घन साधु। संत क्या है? वेद पुराण समुद्र है और संत मेघ है। और इसका अर्थ है कि आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने समुद्र को देखा हो, पर बादल तो आप सबने देखा होगा। मानो ईश्वर भले ही न दिखाई देता हो सबको, लेकिन जैसे मेघ समुद्र से ही जल ले आकर के वर्षा करता है, अपितु जब वो समुद्र से जल ले आकर के वर्षा करता है तो समुद्र के पास जाकर के जल पीने में तो खारेपन का ही अनुभव होगा, का वो वहां तो उसके जल में मिठास ही मिठास है मेघ के जल में। मानो संत चाहे भगवान समुद्र है चाहे वेद पुराण समुद्र है, तो भक्त जो है संत जो है उनके गुणों की ही वर्षा करता है। संत वह नहीं है जो अपने गुणों की वर्षा करे, संत वह है जो भगवान के गुणों की वर्षा करे। अगर वक्ता प्रत्येक दो वाक्य के बाद यह कहता रहे कि मेरे समान कहने वाला कोई है ही नहीं है, मैं अद्वितीय हूं, कहे हमारे वक्ता थे मैं क्या कहूं, वो हर पांच मिनट बाद ये कहते थे तो सुनना हो सुन लो, मैं मर जाऊंगा तो तुम सुनने वाला, कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा। अब जब कोई व्यक्ति अपना गुण गाने लगे तो भगवान का गुणवाद देखिए ना कैसे श्रोता और वक्ता होते हैं। एक श्रोता विभीषण और वक्ता हनुमान,
दोनों महान साधु, दोनों महान संत हनुमान जी सारी लंका में ढूंढ करके भी सीता जी का पता नहीं लगा पाए। हनुमान जी मानो बताना चाहते थे कि भगवान की भक्त को पाने के लिए पुरुषार्थ से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक बात रामायण में स्पष्ट कह दी गई, भगत तात अनुपम सुख मूला, भगवान नाम ने घोषणा कर दिया, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्त जब मिलेगी तो संत के अनुकूल होने पर ही मिलेगी। हनुमान जी नहीं ढूंढ पाए भक्त रूपा सीता को, और तब हनुमान जी का विभीषण से मिलन हुआ। जिस समय विभीषण ने सुना प्रातः काल हनुमान जी द्वार पर खड़े हुए, कि जब आप विचार कर रहे हैं क्या लंका में संत हो सकता है, और तभी अचानक विभीषण की नींद खुली और विभीषण जी ने जिस समय राम राम इस शब्द का उच्चारण किया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम नाम लेने से क्या कोई संत हो जाता है क्या? उच्चारण करना एक अलग बात है। व्याकरण की पाठशाला में कोई मां को मां शब्द को पुकारे लिखे और एक बच्चा मां को पुकारे तो कितना अंतर हो जाता है। शब्द वही है मां, पर उस मां शब्द को व्याकरण का पंडित कहो तो विद्यार्थी से कहेगा तुमने शुद्ध उच्चारण नहीं किया, शुद्ध उच्चारण करना सीखो, शुद्ध लिखना सीखो। अब वो जो शुद्ध लिखेगा शुद्ध उच्चारण करेगा तो ठीक है, परीक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन एक नन्हा बच्चा व्याकरण की पाठशाला में नहीं गया हुआ और वो मां को पुकारे तो मां शब्द की पुकार में कितना प्यार होता है, कितना मां के प्रति भरोसा होता है, उसके स्वर में जो मिठास होगी, क्या किसी दूसरे व्यक्ति के मुख से कितना भी बड़ा व्याकरण पंडित क्यों न हो, मां शब्द के उच्चारण में वह रस आ ही नहीं सकता। तो ये जो रस है, ये रस तो वस्तुतः शब्द में ही नहीं होता है। इसीलिए किसी ने गोस्वामी से कहा कि आपने संस्कृत विद्वान होते हुए भी ये गांव की भाषा में कथा क्यों लिख डाला, अगर आप संस्कृत में लिखते तो आपकी महिमा बढ़ती कि तुलसीदास जी बड़े भारी संस्कृत के विद्वान हैं। तो उन्होंने ये उत्तर दिया, अरे भाई भाषा से भगवान को प्रसन्न किया जाएगा क्या? और तब उनका वो दो दोहा द्वाहौली रामायण में जो उन्होंने कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, अरे काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच, पश्मीने का दाम आजकल तो इतना अंधाधुंध है कि उसकी कल्पना भी लोगों के लिए कठिन है। 1 लाख रुपए का कोई पश्मीना ओढ़ने का हो सकता है, साधारण व्यक्ति तो बेचारा उसे बिल्कुल गप मानेगा, ऐसा होता है। पर गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही, किसी को जाड़ा लग रहा हो और वो कहे कि नहीं हम तो जब ओढ़ेंगे तो पश्मीने ओढ़ेंगे, तो मूर्ख है, अरे काम जो आवे कामरी, अगर कंबल से आपका जाड़ा मिट सकता है तो पश्मीने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। भाषा माने भाषा एक माध्यम है, वस्तुतः तो मुख्यतः प्रेम की है, और वह प्रेम जहां पर है, इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने जब कहा कि राम नाम की बड़ी महिमा गाई गई पर हमें तो उतना मिठास का अनुभव नहीं होता, तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई जरा इसमें चीनी मिला लो। चीनी कौन सा है? बोले राम नाम मोदक। राम नाम जो है वो तो बेसन का बना हुआ घी का बना हुआ लड्डू है, लेकिन मिठास कब आवेगी? तो राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, तो पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है। जब प्रेम का मिठास तुम इस राम नाम के मोदक में लोगे तब तुम्हें तृप्त का अनुभव होगा। बड़ी प्रसिद्ध बात कही जाती है, गोस्वामी जी और सूरदास जी का जब पहला मिलन हुआ तो बड़ा अनोखा था। गोस्वामी जी वृंदावन की यात्रा में गए हुए थे, सूरदास जी महाराज के विषय में सुना तो पहुंच गए, और जाते ही तुलसीदास जी ने उच्च स्वर में कहा, सूरदास जी महाराज जय सिया राम।
सूरदास जी ने कहा आइए गो स्वामी तुलसीदास, कभी मिले ही नहीं थे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, ये कैसे कह दिया कि आइए तुलसीदास जी। पूछ दिया किसी ने कि महाराज आपने ये कैसे जान लिया कि गोस्वामी तुलसीदास। उनका इस युग में श्री राम का ऐसा मीठा मीठा उच्चारण तुलसी को छोड़ के कौन कर सकता। इतना प्यार कौश ब्रज में आकर के भी जिस रस से उन्होंने उच्चारण किया हुआ, तो मानो यह संकेत है, रस है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जब भीषण जी ने राम राम ते स्मरण कीना तो हृदय हरस कपि सज्जन चीना। समझ गए, ऐसी मिठास इतने प्यार से लंका में राम नाम का स्मरण करने वाला कोई संत ही होगा। और तब सोचने लगे इनसे परिचय करूं, अगर ये न करना चाहे। हनुमान जी कहते हैं कि ना ना, मैं इनसे जबरदस्ती मिलूंगा, हट पूर्वक मिलूंगा। किसी से मिली हट पूर्वक तो रुष्ट हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि अगर रुष्ट भी हो जाए तो मैं मिलूंगा। क्यों? बोले यही सन हट करी हूं पहचानी, साधुत्य हो ही न कार जहानी। संत का एक ही लक्षण है कि उससे कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। क्रोध में भी आवे तो भी नहीं बिगड़ेगा, किसी तरह से साधु तो हो ही न कार जहानी, बस ये विश्वास। और तब हनुमान जी ने विप्रदूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ने उत्तर में जब राम नाम का फिर से उच्चारण किया, भीषण जी आकर के देखते हैं द्वार पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं। और तब देखते ही बड़ा सुंदर वाक्य आता है। उन्होंने कहा कि आप दो में से एक ही हो सकते हैं, और कि तुम राम दीन अनुरागी आये हूं कर्ण मोही बड़भागी, या तो आप साक्षात भगवान राम, और कि तुम हरिदासन मह कोई, या तो आप हरि के दास है या भगवान है। बहुत बढ़िया बात कह दी गई, संत का लक्षण आ गया। क्या कि देखिए हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, और संत की तुलना मेघ से की, वायु से की गई। तो वायु का गुण क्या है? वायु का गुण है कि अगर कहीं पर पास में चंपा जूही चमेली सुगंधित पुष्प लगा हुआ हो, आप उसके पास जाइए तो भी आपको सुगंध मिलेगी, और उसके पास न भी जाइए, हवा उधर से आवेगी तो आपके नाक में जो ही गंध आवेगी, आपको वायु का ध्यान नहीं आवेगा, आपको उस पुष्प का ध्यान आवेगा। चंपे का पुष्प है क्या? मानो संत वह है कि जिसके वाणी को सुनकर के भगवान की सुगंध का अनुभव, भगवान का सुगंध जहां पर। तो बस इसीलिए उन्होंने कहा या तो आप श्री राम स्वयं हैं, या आप कोई राम के दास हैं, और आप मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हुए हैं। और उसके बाद कहा महाराज आप कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। और तब आया संत का लक्षण। हनुमान जी की कथा तो जितनी अलौकिक है, प्रभु की कथा में उतना न चमत्कार है न अलौकिकता है। जन्म के समय जिसने सूर्य को निगल लिया हो, जिसको आशीर्वाद मिला हुआ हो कि किसी भी देवता के अस्त्र का प्रयोग प्रहार हनुमान जी को मूर्छित नहीं करेगा, बड़ी विलक्षण कथा। पर हनुमान जी ने क्या किया? अपनी चर्चा नहीं किया। संत माने वायु जैसे जहां से बह करके आती है उसी सुगंध को फैलाती है, इसी प्रकार से जब कोई संत आता है वह भगवान के निकट से आया हुआ है, और तब उसके वाणी से हनुमान जी से भी उन्होंने कहा अपनी कथा सुनाइए। राम कथा में व्यक्ति अपनी कथा सुनाने लगे, और यहां जब पूछ रहा है सामने वाला अपनी कथा सुनाइए, तब हनुमंत कही सब राम कथा। उन्होंने कहा मेरी कौन सी कथा? बंदर की क्या कथा होती है? कहो हम जीवन भर सुनाते रहे, एक दाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, बंदर की और क्या कथा?
तब रंगत हो गए। महाराज अच्छा आपने कथा प्रभु की सुनाई पर अपना नाम तो कम से कम बता दीजिए। हाँ नाम बताता हूं। क्या बोले तब हनुमंत कही सब राम कथा। निज नाम मेरा नाम विभीषण है। प्रसन्न हो गए धन्य हो गया कथा आपने सुनाई आपका नाम जान लिया। पर हनुमान जी ने कहा नाम तो सुन लिया नाम की महिमा भी सुन लो। क्या बोले प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन न मिले। आप डरिएगा नहीं हनुमान जी का आनंद नाम लीजिए आनंद से खूब बढ़िया भोजन ही मिलेगा। मानो हनुमान जी ये चाहते ही नहीं कि उठ करके कोई उनका नाम ले। बोले नाम तो प्रभु का लेना चाहिए कथा तो प्रभु की सुनना चाहिए ध्यान तो प्रभु का करना चाहिए। बंदर भला कोई ध्यान करने की वस्तु है। मानो वही ऐसी बढ़िया कथा सुनाई कि इतने दिनों से भक्त करते हुए पूजा करते हुए लंका में रहते हुए भगवान की शरण में जाना संभव नहीं हो पाया। और उस कथा के बाद वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम और सुनत जुगल तन पुलक मन। श्रोता और वक्ता की दशा क्या है मगन सुमिरी गुण ग्राम। दोनों कहने वाला भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा सुनने वाला भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा। और तब वो स्वामी जी ने कहा कथा का फल क्या हुआ। बोले यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा। हनुमान जी भी विश्राम पा गए भीषण भी विश्राम पा गए। वह विश्राम जो सच्चा विश्राम है जो भगवान की भक्ति का भगवान की शरणागति का विश्राम है। मानो वस्तुतः श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पद सेवनम की अपेक्षा भगवान ने शबरी जी के समक्ष जब यह कहा कि नहीं कथा बाद में पहले संतन कर संगा तो मनुष्य का अभिप्राय है कि जब श्रोता ऐसा नहीं कि श्रोता को झूठ है। अब श्रोता के रूप में कैसे कैसे श्रोता होते हैं मैं तो जबलपुर की बात भूले ही नहीं पाता। कथा में एक सज्जन सबसे मोटा बहुत बढ़िया हार लेके आए पहना दिया पर कथा प्रारंभ हुई तो 5 मिनट मुड़ के चले गए। हमने कहा कोई कार्य रहा होगा। पर जब दूसरे दिन तीसरे दिन यही क्रम तो मैंने एक परिचित सज्जन थे उनसे पूछा कि इतना मूल्यवान जाने कहां से बना ले आते हैं वो पहनाते हैं सुनते तो है नहीं चले जाते हैं। बोले नहीं इसका रहस्य मुझे ज्ञात हो गया। क्या बोले ये कथा में पहले दिन आए और आपका जब हाथ उठा तो उन्होंने उंगलियों को गिन लिया ये सट्टेबाज है और उस दिन उनको लाभ हो गया तो उतने ही देखने आते हैं कि कितनी उंगली उठी उसी पर दाव लगा देना। अब अगर ऐसा बढ़िया श्रोता मिल जाए तो फिर वो चाहे कितने मूल्य का हार ला के पहना दे पर उसका कथा का प्रभाव क्या होगा। अथवा स्वयं प्रभु ने जैसे शबरी जी को सुनाया और श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया और जब सुनाया तो तीन श्रोता कौन एक तो हनुमान जी ध्वजा पर बैठे हुए भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को हनुमान जी सब सुन रहे हैं दूसरे श्रोता अर्जुन तीसरा श्रोता धृतराष्ट्र कि जिसने संजय के मुंह से संजय ने यह बताया कि भगवान अर्जुन को यह सुना रहे हैं। और ये तीन तरह के श्रोता होते हनुमान जी के समान श्रोता माने जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया उस उपदेश को जीवन में पहले ही जिसने उतार लिया है ऐसे श्रोता हनुमान जी हैं। सुन के उतारना नहीं है सब कुछ उनके जीवन में है। और दूसरा सुग्रीव अर्जुन है ऐसा श्रोता की सुन करके उतारना है। और तीसरा धृतराष्ट्र जैसा श्रोता कि कुछ भी सुने पर सुनने के बाद भी कोई अंतर नहीं आने वाला है
तो अंत में तो कथा सुनते सुनते जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले ये मेरा भतीजा बहुत बड़ा वैराग्यवान है, देखो इसके मन में कोई लोभ नहीं। पर भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम्हें युद्ध करना है तो बड़ा बुरा लगा। बोले अच्छा ये भगवान कहा जाता है, झगड़ा लगा रहा है, भाई से भाई को लड़ा रहा है। मानो धृतराष्ट्र के समान जब कोई व्यक्ति न देखना चाहे न सुनना चाहे सुनकर के मनमना अर्थ ले, तो वही इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कह गोड़, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। इसलिए भगवान राम शबरी जी से कहते हैं मेरी नवधा भक्ति का प्रारंभ मानो सत्संग वृक्ष है और भक्त का अन्य अंग जो है उसकी शाखा है, उसका फल है। इसी चर्चा बाद में आ जाता है। बोलिए श्याम।